फेस्टिव सीजन की शुरुआत के साथ ही कार खरीदारों के अच्छे दिन आ गए हैं। दरअसल इस सीजन में कार कंपनियों की बिक्री में इजाफा हो जाता है और ये साल के अंत तक कायम रहता है। इस दौरान कारों की बढ़ती इन्वेंट्री से डिस्काउंट के भी नए रास्ते खुल जाते हैं। कार डीलर्स के संगठन फाडा के मुताबिक अगस्त में कारों की इन्वेंट्री 70 से 75 दिन के रिकॉर्ड स्तर पर है। 80,000 कारों की करीब 8 लाख कारें खरीदारों का इंतजार कर रही हैं। ये वो कारें हैं जो नहीं बिकी है और डीलरशिप पर खड़ी है। फाडा का कहना है कि दुनिया के तीसरे सबसे बड़े कार मार्केट के लिए ये वक्त मुश्किल है, क्योंकि फेस्टिव सीजन होने के बावजूद लोग गाड़ियां कम खरीद रहे हैं, जिस वजह से डीलरों की इन्वेंट्री बढ़ रही है और उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि कंपनी ने अब इसका तोड़ निकाल लिया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कंपनियां अब ग्राहकों को स्पेशल डिस्काउंट देने की तैयारी कर रही है। कम इंटरेस्ट रेट, फ्री बीमा और छोटी ईएमआई जैसी स्कीम्स की पेशकश की जा रही है। टाटा मोटर्स ने तो 9 सितंबर से इसकी शुरुआत भी कर दी है। कंपनी ने अपनी कारों पर 30,000 से 2.5 लाख तक की छूट के साथ फेस्टिव सीजन की शुरुआत कर दी है। अगर आप भी कार खरीदने का सोच रहे हैं तो आपको भारी डिस्काउंट मिल सकता है। टाटा मोटर्स ने सफारी, हैरियर और नेक्सॉन पर लाखों रुपए की छूट देने का ऐलान किया है। हुंडई ने भी वेन्यू और एक्स्टर जैसे मॉडलों पर इस महीने से डिस्काउंट ऑफर की शुरुआत कर दी है। जीप इंडिया तो अपनी ग्रैंड चेरोकी मॉडल पर पूरे 12 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। ग्रैंड चेरोकी मॉडल की शुरुआती कीमत अब 68,50,000 रुपए हो गई है। इससे पहले ये कीमत 80,50,000 रुपए थी। ऑटो एक्सपर्ट्स की माने तो बिक्री कम होने की कई वजह है। इस साल हुई भीषण गर्मी और फिर मॉनसून सीजन में हुई भारी बारिश के चलते बिक्री एकदम सुस्त पड़ गई थी। वहीं ग्राहक भी फेस्टिव सीजन में डिस्काउंट मिलने की आस में कार खरीदने का प्लान होल्ड किए हुए थे। इसकी वजह से महिंद्रा, किया और टोयोटा के अलावा ज्यादातर कार कंपनियों की बिक्री में भारी गिरावट आ गई थी।